Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के लिए बच्चों की शिक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता रही पूरे देश में। अगर एक इकलौती सरकार है जो अपने बजट का 25% हिस्सा एजुकेशन पर लगाती है तो वो अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली सरकार है। सब जानते हैं कि देश भर में सरकारी स्कूलों का क्या हाल है। बच्चों के पढ़ने के लिए क्लासरूम नहीं है, क्लासरूम है तो बैठने के लिए डेस्क नहीं है, बच्चे टाट पट्टी पर पढ़ते हैं। जब बरसात का मौसम आता है तो कमरों में बरसात का पानी टपकता है, टॉयलेट नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। दिल्ली के भी सरकारी स्कूलों का 2015 से पहले यही हाल था। दिल्ली में क्लासरूम्स की कमी थी, क्लासरूम्स में डेस्क नहीं होते थे, ब्लैक बोर्ड टूटे हुए होते थे। दिल्ली के कई हिस्सों में, खासकर डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज में, कई ऐसे स्कूल थे जहां पे एक क्लासरूम में 150 बच्चे पढ़ते थे। जब 150 बच्चे ठसाठस बैठ के क्लासरूम में पढ़ रहे हैं तो आप कैसे उनको हाई क्वालिटी एजुकेशन दे सकते हैं? अगर भगवान भी आके उन बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करते तो शायद अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने ठान लिया था कि वो दिल्ली के हर बच्चे को, चाहे वो अमीर परिवार से हो या गरीब परिवार से हो, हाई क्वालिटी एजुकेशन देंगे, प्राइवेट स्कूल के बराबर अच्छी शिक्षा सरकारी स्कूल में देंगे। और 2015 से कवायद शुरू हुई दिल्ली के सरकारी स्कूलों को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर देने की, दिल्ली के सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड करने की। 2015 में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कुल मिलाकर 24,000 कमरे थे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 1947 जब से हमारा देश आज़ाद हुआ तब से लेके आज तक इतनी सरकारें आईं लेकिन उन्होंने सिर्फ 24,000 कमरे बनाए। दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जी की सरकार है जिसने 2015 से 2024 के बीच 22,711 कमरे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में बनाए। और ना सिर्फ कमरे बनाए हैं बल्कि वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है। आज आप दिल्ली के सरकारी स्कूलों को देखिए तो उनकी बिल्डिंग प्राइवेट स्कूलों को पीछे छोड़ देती है। सरकारी स्कूलों में स्मार्ट बोर्ड्स हैं, बढ़िया लैब्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, मल्टीपर्पज हॉल्स हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज हैं, अच्छे डेस्क हैं। आज दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे प्राइवेट स्कूलों से बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर पा रहे हैं। ये इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंशन अभी भी खत्म नहीं हुआ है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी एक युद्ध स्तर पर बढ़ाया जा रहा है। आज के दिन में ही दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में 14 नए स्कूल बन रहे हैं। अलग अलग स्कूलों में जहां पर क्लासरूम्स की कमी थी, जहां पर ओवरक्राउडिंग थी, वहां पर एडिशनल क्लासरूम्स, एडिशनल एकेडमिक ब्लॉक्स, मल्टीपर्पज हॉल्स, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज बनाई जा रही हैं। एज ऑफ नाउ दिल्ली में 1541 नए कमरे बन रहे हैं और ये दिल्ली के हर हिस्से में बन रहे हैं। रोहिणी, सुंदर नगरी, मुस्तफाबाद, ईस्ट विनोद नगर, द्वारका, मयूर विहार, झड़ोदा कला, किराड़ी, सीमापुरी, मैदानगढ़ी, रघुवीर नगर, टैगोर गार्डन, आया नगर, दिल्ली के हर हिस्से में ये इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंशन जारी है। और शायद यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल जी के काम को रोक नहीं सकते, अरविंद केजरीवाल जी जैसे अच्छे स्कूल नहीं दे सकते, अरविंद केजरीवाल जी जैसा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट स्कूल्स में नहीं दे सकते। इसीलिए केंद्र सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया है। लेकिन मैं दिल्ली के लोगों को ये बताना चाहूँगी कि अरविंद केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली के बच्चों को हाई क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए प्रतिबद्ध है। चाहे भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया, चाहे भारतीय जनता पार्टी ने मनीष सिसोदिया जी को जेल में डाल दिया, लेकिन दिल्ली के बच्चों को, दिल्ली के सरकारी स्कूलों को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम जारी है और जारी रहेगा।